दोस्तों काठगोदाम का पुल हमने कर लिया है क्रॉस। तो हमारी भी गाड़ी निकलने लग गई, हमारा रास्ता भी निकलने लग गया, हल्के हल्के जा रहे हैं। तो ये लगी जेसीबी, ये देखिए पानी है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रानीखेत छावनी, मतलब। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों लगभग एक महीने से ऊपर हो गया, तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। लगभग दो तीन हफ्ते भी हो गए, मैं वीडियो कोई अपलोड भी नहीं कर पाया। शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ लेकिन वीडियो नहीं कर पाया। तो आपको वीडियो बहुत दिनों बाद देखने को मिलेगा। जस्ट उठा हूँ और अभी कर लेते हैं दाढ़ी सेट। और आजकल मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, मैंने कल ऑयलिंग करके ऐसे किया था, काफ़ी टाइम से झड़ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। अब देखता हूँ, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको मैं नए अवतार में दिखूँ, बाल बाल थोड़े छोटे कर लूँ। तो बस अभी दाढ़ी वाड़ी सेट करते हैं और फिर उसका नहाते हैं, तैयार होते हैं और फिर कहाँ जा रहे हैं निकलते हैं और आपको सब बताते हैं। दोस्तों नहा के हम तैयार हो गए, अभी मेरे को बाल बनाने में गीले हो रहे हैं तो बाद में बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों आज पूरी बनी है, तो पूरी इसलिए बनी है, आज है अंकिता का बर्थडे, तो मैया ने ज़्यादा तीन पूरी रख दी, मैं इसको कम कर दूँगा, मैं दो ही खाऊँगा। तो पूरी मैं कम ही खाता हूँ, तो बाकी रोटी खाते हैं और फिर निकलते हैं। हेलो बोल। देखिए विनय पाठक, इतने सारे दांत टूट गए, दांत तो दिखाई, ज़रा कितने दांत टूट गए देखिए दोस्त, एक दो तीन ऊपर के, पांच दांत टूट गए। चलिए अब इसको करते हैं इंजॉय और फिर आपको रास्ते में मिलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बाय करते हैं, बाय। तो दोस्तों गाड़ी में आके बैठ गए और अभी टाइम जस्ट 8 बजने वाला है, 5 मिनट रह गए 8 बजने में, और देखिए पसीना कितना ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको बता ही देता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं रानीखेत, तो रानीखेत जा रहे हैं, अंकिता का बर्थडे है तो घर चली गई थी, तो उसे मिल भी आएंगे, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और अभी तक जहाँ तक उसको सरप्राइज़ देने वाले हैं उसको पता नहीं है कि हम आ रहे हैं। पहले मैं अपनी दवाई खा लेता हूँ ये लीवर की। तो दोस्तों घर से हम निकल गए और पहले कहाँ जाएंगे, पहले कुछ ले लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अब गिफ्ट की बात, कि गिफ्ट क्या दे रहा हूँ मैं। तो गिफ्ट मैंने, मतलब जब वो घर जा रही थी उससे पहले काफ़ी चीज़ें पूछी थी कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ चाहिए उसको। तो उसको मतलब जितनी भी जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, मतलब जैसे मोबाइल हो गया या मतलब कोई ज्वेलरी, कपड़े, तो इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, तो उसने सब में मना कर दिया था, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ें फिर देखी कोई मतलब नहीं है। तो उसने बोला था, मैंने कहा बर्थडे में तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोला आप आ जाना, लेकिन फिर बीच में बारिश हो गई, वो हो गई, तो अभी भी आज अलर्ट है मौसम का। तो लेकिन अब क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, उस मायके चली गई थी, तो अब अधिमास भी लगने वाला है, तो उसके बाद आएगा अधिमास, मतलब काला महीना होता है, तो वो पति के लिए होता है, तो इस वजह से वो वहाँ गई है, उसके बाद आएगी। तो मैंने सोचा बर्थडे में जाके उसको सरप्राइज़ देता हूँ और गिफ्ट में उसके लिए हम ले लेते हैं, उसको नमकीन बहुत पसंद है, आलू भुजिया, तो वो दे देंगे उसको। और बाकी बस अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर रिलायंस स्टोर है, तो वहाँ से वहाँ पर क्योंकि नमकीन का बड़ा वाला पैकेट मिल जाएगा, तो वो उसको मतलब वो लेंगे और फिर सीधा ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे केक तो यहाँ से ले जाने की कोई मतलब नहीं है क्योंकि ख़राबी हो जाएगा और मतलब चीज़ें, और अभी जा रहा हूँ तो वहाँ मिठाई भी ले जाऊँगा मैं, तो सोच रहा हूँ अपनी मन पसंदीदा मिठाई ले जाता हूँ और उसी को केक के रूप में हम काटेंगे। और कौन सी मिठाई है अब आपको चलते हैं, जब लेंगे फिर आपको दिखाऊँगा मैं कौन सी मिठाई ले रहा हूँ। तो दोस्तों रिलायंस में तो मिला नहीं मुझे हल्दीराम का आलू भुजिया का पैकेट, बिकानो था, बिकानो का टेस्ट थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब उसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो अब देखते हैं, या मतलब लोकली कहीं अगर मिल जाएगा, मतलब छोटे पैकेट तो आसानी से मिल जाएंगे, मैं सोच रहा था अगर बड़ा वाला मिल जाता तो, ये जो 1 किलो वाला आता है, वरना नहीं छोटा वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ से बैक कर लेते हैं और अब आपको ले जाते हैं अपनी पसंदीदा, जो मैं कह रहा था कि आपको मिठाई लेनी की, आपको दिखाता हूँ कौन सी मुझे ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो सारी मिठाइयाँ अच्छी है लेकिन एक मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ, वो हर सीज़न में नहीं बनती है, कुछ उसके पर्टिकुलर सीज़न आते हैं ये तभी वो बनती है, और अगर मैं सीज़न बताऊँगा तो आप 100% गैस कर लोगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी मिठाई की बात कर रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर सीज़न में बनती है वो, और आप किस सीज़न में हम लोग बात कर रहे हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिठाई लेते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे कौन सा नमकीन वाला पैकेट मिलता है। और पहले दोस्तों बेल्ट लगा लेते हैं। ओके
पता ही नहीं लगेगा इसमें तो, वो तो ड्राई फ्रूट डाला है पता लगेगा, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। अंकिता लिखना है? हाँ अंकिता लिख दो। घीवर का भी नया डिजाइन बन गया। तो दोस्तों घीवर हमने ले लिया है, ये मेरी फेवरेट मिठाई है जो मैंने आपको दिखा दिया और उसमें नाम भी लिखवा दिया है जैसे तैसे ड्राई फ्रूट से ही, तो इस वजह से ये ले लिया मिठाई, ये मेरी फेवरेट भी है और केक खराब भी हो जाएगा और ये अच्छा भी। इसको काटेंगे थोड़ा अलग, ट्रेंड करते हैं, हमेशा हम केक ही काटते हैं, इस बार मिठाई काटते हैं, तो मिठाई ट्रेडिशन भी है और अच्छा भी है। और बस अब मुझे मिलनी है आलू भुजिया, वो लेनी है, मतलब मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पैकेट, मैंने एक दो जगह देखा था तो वहाँ पे छोटा वाला ही पैकेट था, छोटा वाला मतलब जो 100, 200, 300, 400 ग्राम वाला होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं अगर बड़ा पैकेट मिल जाए 1 किलो वाला तो वो ले लेंगे, गिफ्ट के तौर में भी हो जाएगा और वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो बस अब यहाँ पे टाइम हो गया 8:30 और अब सीधा निकलते हैं रानी खेत की ओर और वहीं काठगोदाम से अपना पेट्रोल भराएंगे और फिर निकल जाएंगे। देखिए बादल लगे हैं और बाकी आज वैसे दोस्तों रेड अलर्ट कह रखा है, देखो बारिश ना हो, पहुँच जाएँ जल्दी जल्दी तो अच्छी बात है, क्योंकि कैंची धाम से आगे जो कैंची धाम से खैरना वाला जो बीच का रोड है वो थोड़ा डेंजरस है, वहाँ थोड़ा लैंडस्लाइड पत्थर गिरने का खतरा रहता है, तो बस वो बिना बारिश के अच्छा मौसम रहे तो अच्छे से पार हो जाए बस। तो बाकी चलते हैं और ट्रैफिक देखते हैं कितना रहेगा, तो अभी तो फिलहाल शायद इस टाइम तो पहाड़ों में उतना ज़्यादा ट्रैफिक रह नहीं रहा है, मतलब बरसातों के टाइम में, लेकिन देखते हैं क्या होता है, पिछली बार तो बहुत बुरा फंसे थे हम। तो चलिए दोस्तों सफ़र में बने रही, पहले हम नमकीन ढूंढ लेते हैं और फिर आराम से आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आलू भुजिया भी मिल गई है, लेकिन ये 450 ग्राम वाला पैकेट मिला, 1 किलो वाला मिला ही नहीं, तो बीकानों का था लेकिन यही लेना था, तो चलो आधा किलो ही वाला पैकेट ले लिया। तो अब चलो सीधा दोस्तों चलते हैं और पहले भराते हैं पेट्रोल और सीधा अब आपको रास्ते में मिलेंगे सुनहरी सुंदर खूबसूरत पहाड़ी वादियों के बीच में। तो दोस्तों पेट्रोल वगैरह भी हमने भरवा लिया है और अब मास्क को थोड़ी देर उतार लेते हैं क्योंकि अंदर अकेले ही है, और बाकी अब भरवा लेते हैं, चेक करवाते हैं यहाँ पे हवा और फिर निकल जाएंगे खूबसूरत वादियों में। कहीं कहीं देखिए बादल साफ़ हो गए, देखिए इधर साइड और इधर साइड लगे, तो आगे जाके देखते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे आपको कैसा है। और दोस्तों बाकी सफ़र में बने रहिएगा, अकेले मेरी ट्रिप है तो आपको भी मज़ा आएगा और मैं भी इंजॉय करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों काठगोदाम का पुल हमने कर लिया है क्रॉस और अभी तक देखिए ऊपर बादल बादल लगे हैं और बीच में अभी कुछ सेकंड के लिए धूप सी आई थी, तो मैंने सोचा जैसे आपको दिखाऊंगा तो मैंने कैमरा जैसे ही उठाया, मोबाइल उठाया तो धूप दोबारा छाया में बदल गई और बस हल्के हल्के जा रहे हैं पहाड़ी गीतों का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे बीच में कोई ट्रक में पत्थर आए होंगे, तो अभी वो JCB से दूसरे ट्रक में डाले जा रहे हैं, शायद वो ट्रक ख़राब हो गया होगा या डंपर ख़राब हो गया होगा, ये देखिए, या मलबा आया होगा ऊपर से, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या है ये। नहीं दोस्तों ऊपर से साइड से एक रोला जैसा आता है उससे मलबा आया, जैसे ये रोला आपको दिख रहा है ना सामने, ये देखिए ऐसा कोई रोला है जिससे मलबा आया है ऊपर, तो उसको डंपरों में डाला जा रहा है। वो गलत मैंने बोला कि वो किसी डंपर ख़राब हो गया, उसका नहीं है, तो वरना इतना मलबा कोई डंपर नहीं ला पाएगा, वो बहुत ज़्यादा था। तो बस जैसे जैसे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा बारिश हुई थी या थोड़े जो पहाड़ कच्चे हैं, दरख रखे हैं, कच्चे इस वजह से हो रखे हैं, कच्चे होने का कारण हम लोग हैं, मतलब हम लोग जो पेड़ काट देते हैं हमारे घरों के लिए, हमारे जो भी उपकरण हम बना रहे हैं लकड़ी से रिलेटेड, कुर्सी बेड वेड, तो उसके लिए जितने भी पेड़ कट रहे हैं तो उसकी वजह से जितने भी, ये देखिए लैंडस्लाइड, ये देखिए नीचे जो है दरख जा रहे हैं, ये मिट्टी विट्टी रेता सब नीचे आ जा रहा है, और उससे भी हमें ही आफत आ रही है क्योंकि ये हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए काटे हैं लेकिन हमें पता नहीं इनसे हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे जितना ऊपर बढ़ते जा रहे हैं स्पीड थोड़ा हल्की हो गई है क्योंकि ट्रक भी आगे चल रहा है, और देखिए साइड साइड में, तो ये देखिए जहाँ जहाँ कच्चे हो रखे हैं, पेड़ नहीं है, तो वहाँ से तुरंत मिट्टी रेता नीचे खिसक जा रहा है। दोस्तों भीमताल हम पहुंच चुके हैं, मेरे आपको राइट में दिख रही होगी भीमताल की झील,
और तो दोस्तों आपको क्या है, एक चीज पता है, जो ये भीमताल की झील आपको दिख रही है इतनी खूबसूरत झील, तो कहते हैं जो भीम है, क्योंकि उन्हीं के नाम से पड़ा है भीमताल, तो उनके जो पैर है बायां पैर, तो उन्होंने अपना एक पैर रखा था यहाँ पे, तो उससे ये झील बन गई थी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, इतनी बड़ी झील है, मैंने आपको बहुत बार दिखाया लेकिन ये शायद आज तक बताया नहीं आपको, तो मैंने सोचा इस बार बता दें। और अभी अच्छा है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो जैसे ट्रैफिक नहीं मिलता है तो अभी क्रॉस कर लेते हैं चीज़ें, क्योंकि आज वीकडे वीकेंड भी नहीं है, वीकेंड में जनरली ट्रैफिक होता है, तो मैंने सोचा आज छुट्टी ले लें और आज छुट्टी लेके ट्रैवल किया जाए, वरना वीकेंड में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती ट्रैवल करने में। और अच्छी, अब यहाँ पे ठंडी हवा चल गई है, तो शीशे डाउन कर लिए मैंने और एसी बंद कर दिया है, और हल्के हल्के पहाड़ी गीत सुन रहे थे अभी तक मैंने, अब थोड़े हिंदी गाने लगा लिए और थोड़े अब उसको सुनते सुनते और चलते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे झरने और छोटे छोटे रौले रहते थे, वो भी आजकल देखिए उफान में कितना ज़्यादा पानी है, देखिए दूधिया पानी। तो दोस्तों अभी दरबार में हम पहुँचे नहीं हैं, नीम करौली बाबा का दरबार यहाँ से है 4 किलोमीटर, और उससे पहले ही यहाँ पे हमें मिल गया है जाम, तो सारी गाड़ियाँ रुकी है। अब ये जाम किस चीज़ का है वो देखते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा हमने बोल रहे थे आपको कि ये थोड़ा मतलब डेंजरस एरिया है, तो अभी अंकल जी से पूछा, वो कह रहे शायद आगे मलबा आया है, तो उसकी वजह से जाम लगा है, तो मतलब हो सकता है JCB आई होगी तो वो हटा रही होगी, तो या एक तरफ का खोला होगा, तो बस सब रुके हैं यहाँ पे, इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों रास्ता शायद खुल गया है, क्योंकि इधर से गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई है। तो हमारी भी गाड़ी निकलने लग गई है, हमारा रास्ता भी निकलने लग गया, हल्के हल्के जा रहे हैं, और जल्दी से ये वाला रास्ता पार करना है, पहले टारगेट यही है, तो इसको पार करते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए अभी छोटे छोटे जो कभी बंद पड़े रहते थे या कभी कबाड़ दिख जाते थे, देखिए कितने उफान में है, ये सब झरनों में ऐसा पानी आ रहा है, ये देखिए दूधिया पानी, ये देखिए पानी, और ये देखिए यहाँ पे JCB और एक साइड का रास्ता है, मतलब एक बार में एक तरफ से गाड़ी आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मलबा बीच में आ गया है। तो ये लगी JCB, ये देखिए पानी है, देखो पानी चिर रहा है, साइड में पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं, छोटे मोटे पेड़ होंगे तो वो उतना रोक नहीं पाएंगे, ये देखिए पूरा कीचड़ सा हो रखा है। अभी उस साइड की गाड़ियाँ रुकी है, पहले इधर की गाड़ियाँ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इधर की गाड़ियाँ आएंगी, क्योंकि पहले इधर की गाड़ियाँ निकाली थी, तो ये देखिए अब यहाँ पे 4-5 ही गाड़ियाँ हैं, तक हमारी गाड़ियाँ निकालेंगे तो यहाँ भी गाड़ियाँ भर जाएगी। तो ये जो पूरा पैच है करीब, ये होगा आपका 7-8 किलोमीटर का पैच, ये थोड़ा सा डेंजरस पैच है, मतलब कैंची धाम से 3 किलोमीटर पहले और कैंची धाम के 4-5 किलोमीटर आगे तक का ये जितना भी पैच है, थोड़ा खतरनाक पैच है। ये देखिए नीचे है बाबा का मंदिर। तो दोस्तों पहुंच गए नीम करौली बाबा के दरबार में, और देखिए यहाँ पे कितनी पुलिस लगी है, तो बाबा सबको खुश रखे, सबके चेहरे मुस्कुराहट बनाए रखें। तो चलो क्रॉस करते हैं आज। दोस्तों यहाँ पे रश नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मानसून है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं, मतलब हिमाचल की तरफ ही जा रहे हैं। हिमाचल में आपने देखा होगा हिमाचल में कैसे हाल हो रखे, तो अभी थोड़ा घूमने उमने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो मत जाइए, और बाकी ठीक है, रोड अच्छी बनी रहनी चाहिए, और अगर जिसको घूमने का भी मन है, अगर सही है खुला है तो बिल्कुल जाइए, इंजॉय भी करिए, ऐसी बात नहीं है। तो बस आज ट्रैफिक कम है, तो अब हम निकल गए, बस चलते हैं दोस्तों। और कितने टाइम के बाद हमें ये जो रूट है कैचीधाम वाला हमें खाली मिला है, मतलब जाते समय या आते समय जब भी गएंगे हम। इससे पहले जब हम गांव गए थे करीब 2-2.5 महीने पहले की बात है, तो हम सुबह सुबह निकले, तो हमने शायद 5 या 6 बजे के आसपास हमने ये कैचीधाम क्रॉस किया था, 4 बजे मल्दवानी से निकल गए थे, तो तब भी हमें खाली मिला था और आज भी हमें खाली मिला। लेकिन जो इससे पिछले उस समय गांव से जब हम आए थे, तो दोस्तों आपको हालत पता है कितना भयानक जाम में फंसे थे हम। सुबह 8 बजे निकले थे और रात के लगभग 12 बजे, लगभग 16 घंटे की हमारी जर्नी रही थी, और उसके बाद ऐसा रहा कि उसके बाद मैंने 1 महीने तक वीडियो नहीं बनाया। देखिए दोस्तों मैं इस पैच की बात कर रहा था जो ज़्यादा खतरनाक है, ये देखिए रोड भी टूटी है और इधर उधर भी पानी काफ़ी, मतलब ये मतलब वो वाला एरिया कह सकते हैं आप, पाला ज़्यादा पड़ता है क्योंकि धूप नहीं रहती इस एरिया में, गर्मियों में भी आओगे आप ठंडों में तो वैसे ही ठंडा रहता है और बरसातों में तो वैसे ही पानी रहता है। ये देखिए
इस वजह पत्थर यहाँ पे साइड में, तो ये वाला जो एरिया है काफी रिस्की एरिया है। तो दोस्तों खैरना गर्म पानी हम लोग पहुँच गए हैं, आस पास ही है क्योंकि खैरना गर्म पानी आधा एक किलोमीटर में ही है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ का नाम लिया। और ये देखिए यहाँ पे अच्छी सी धूप आ रखी है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक धूप आ रखी है देखिए। और अब अपना देखते हैं यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो यहाँ पे रुकते हैं कृष्णा में, वरना आगे चलेंगे क्योंकि गाड़ी की जगह मिलनी चाहिए यहाँ, वरना थोड़ी दिक्कत हो। चलो अभी जगह मिल रही है तो यहाँ पे लगा लेते हैं। और तो दोस्तों अब हम खा रहे हैं अपनी सैंडविच और ऑर्डर कर रखे चाय, अभी आती है पीते हैं फिर आगे निकलेंगे। दोस्तों ये आ गई हमारी चाय। तो दोस्तों कृष्णा में हमने चाय और सैंडविच खा ली, ज़्यादा खाए नहीं, भूख भी उतनी लगनी थी, घर से अच्छा खाना खा के आए थे। और अब हम खैरना वाले पुल से अंदर को कट गए और अब पहुंचने वाले हम रानीखेत वाले रूट पे आ गए, तो यहाँ से हमें लगभग मैक्सिमम एक घंटा लगेगा रानीखेत पहुंचने में। ये देखिए और यहाँ भी देखिए रोडों की हालत, ये देखिए क्योंकि आपको लेफ्ट साइड मेरे दिख रही होगी, ये है कोसी नदी। देखिए बीच में कहीं मलबा आया है, रेता, रोड टूटी है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए इस साइड रोड टूटी है, कहीं मलबा भी आया होगा, तो रोड थोड़ी श्रिंक हो गई छोटी, तो इस वजह से एक ही गाड़ी निकल पा रही है एक जगह से। ये देखिए यहाँ भी रोड टूटी है, क्योंकि क्या ऐसा नहीं कि रोड कच्ची बनती है या वो नहीं होती, क्योंकि पहाड़ उतने मजबूत नहीं है, तो नीचे से जैसे ज़मीन खिसकती है या नीचे से जैसे ज़मीन दरकेगी और उसके बाद रोड अपने आप ही टूट जाएगी। रोड चाहे कितनी भी मजबूत बना लो, जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। तो जो नींव है, तभी कहते हैं कि नींव हमेशा चीनों की जरूरी है, चाहे मकान की हो या किसी व्यक्ति की हो, तो इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से, ये देखिए साइड में देखिए पूरा कैसे हैं, ये हमेशा पहाड़ ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं कि इस बार ही ऐसे ऐसे रहते हैं। बरसातों में ये होता है पानी गिरता है तो जो मिट्टी या रेत होती है जो चिपकी होती है पहाड़ों से, वो निकलना शुरू कर देती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, वो निकल के सीधा रोड के बीच में आ जाती है। और कभी जब भारी हो जाती है, मान लो बड़े बड़े बोल्डर आ गए, पत्थर आ गए, तो रोड टूट भी जाती है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम रानीखेत छावनी, मतलब पूरा आर्मी एरिया है, तो छावनी में हमारा स्वागत है। और एक गाने बंद कर देते पहले, हाँ